बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा फर्स्ट मॉक है MA 1 का और हम ये मॉक अपनी लाइव क्लास के अंदर रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो हमारे साथ आज बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका मॉक हुआ है और मॉक डिस्कशन भी होगी। टाइम वेस्ट किए बगैर क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग स्प्रेडशीट्स। अच्छा, मैं पहले बता दूं, ये मॉक जो है ये परचेज मॉक्स हैं। आपको वैसे पता है कि मेरे मॉक्स यूट्यूब पे काफ़ी मशहूर हैं। तो दो तरह के मॉक्स होते हैं, एक परचेज मॉक्स हैं जो ACCA वेबसाइट पे मिल जाते हैं और दूसरे जो मेरे बनाए हुए हैं। तो मेरे बनाए हुए मॉक्स आप पहले 3 दिन ACCA परचेज मॉक्स देखेंगे और उसके बाद जो 4th या 5th और 6th मॉक होगा वो हमारा पास पेपर से रिलेटेड होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं जी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग स्प्रेडशीट्स। स्प्रेडशीट्स के क्या एडवांटेजेस हैं? दे हेल्प अकाउंटेंट टू परफॉर्म कैलकुलेशंस क्विकली एंड इजीली। यस, पहली तो हमारे पास ये रिक्वायरमेंट है कि स्प्रेडशीट से हमारा काम आसान हो जाता है। तो पहली रिक्वायरमेंट, यस। दे अनेबल डाटा टू बी मैनिपुलेटेड एंड न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन टू बी एनालाइज्ड। यस, अगेन ऐसा भी है। नंबर 3, दे रिमूव द रिस्क ऑफ एरर इन फाइनेंशियल एनालिसिस। यहाँ पे रिस्क बढ़ भी जाता है। देखिए, जब आप क्या यूज़ करें, स्प्रेडशीट यूज़ करें, एक वैल्यू गलत होने से, एक डिजिट गलत होने से बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं। ठीक है, तो कौन सी 2 ऑप्शन ठीक हैं जी? 1 और 2। तो मेरे पास ऑप्शन है डी। नेक्स्ट मूव करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? What is an organization chart designed to show? It's show the direction of responsibility. हमने क्लास में पढ़ा था ना ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट, एक हायरार्की थी कि यहाँ से कहाँ से कहाँ इंफॉर्मेशन कैसे फ्लो करती है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो ये क्या है? डायरेक्शन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैंने देखा था एम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन लगाया हुआ था आयशा ने, तो डायरेक्शन, देखें एम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन क्या है, मकसद क्या है। हम इसमें कहाँ पे कह सकते थे एम, कहाँ पे हम कह सकते हैं ये आपका मिशन हो सकता है, आपकी गोल हो सकता है, गोल स्टेटमेंट हो सकता है, आप क्या अचीव करना चाह रहे हैं, क्या आपका मकसद क्या है, किस लिए आप बने हैं। हमसे क्या पूछा है? ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट पूछा है। ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट क्या है? हायरार्की है, एम नहीं है, मकसद ऑब्जेक्टिव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। व्हाट इज मेंट बाय द क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट बाय बिहेवियर। कॉस्ट बाय बिहेवियर को किस तरह से क्लासिफाई किया जाएगा? क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू वेदर कॉस्ट आर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। नो, ये तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट बता रहा है। फिर इसके अलावा क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू हाउ कॉस्ट चेंज विद एक्टिविटी। जैसे जैसे बिहेवियर क्या है, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, स्टेप फिक्स, ये बिहेवियर की वजह से क्या हो रही है, चेंज हो रही है। फंक्शंस की कहता तो फंक्शन हमारे पास क्या है, फंक्शन में हम क्या बात करते, सेलिंग की बात कर रहे होते, सेलिंग एक फंक्शन है, एडमिनिस्ट्रेशन एक, ठीक है। हम फंक्शन, यहां पे उसने हमसे क्या पूछा है, बिहेवियर का पूछा है। फिर है जी, व्हाट इज कॉस्ट यूनिट। कॉस्ट यूनिट और कॉस्ट पर यूनिट में मैंने मॉक के दरमियान भी आपको ये बात बताई थी कि इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते वक्त कॉस्ट पर यूनिट और कॉस्ट यूनिट दोनों चेंज होते हैं। कॉस्ट यूनिट क्या है? जो वो यूनिट, वो प्रोडक्ट, वो सर्विस जिसके ऊपर कॉस्ट लग रही है वो कॉस्ट यूनिट है। ठीक है, एक कंपनी है जो कार बना रही है, तो उसके लिए कार, एक कार क्या है, कॉस्ट यूनिट है। समझ रहे हैं बात? तो कहता है, व्हाट इज द कॉस्ट यूनिट? अ यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस विच हैज कॉस्ट अटैच टू इट। जिसके साथ कॉस्ट अटैच हुई हुई है वो आपके लिए क्या है, यूनिट, कॉस्ट यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्या कहते हैं जी? फोरकास्ट सेल्स एंड प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट पी इन द नेक्स्ट पीरियड आर 6000 एंड 5800 यूनिट्स रिस्पेक्टिवली। वन इज सेल्स, फोरकास्ट सेल्स, नेक्स्ट वन इज प्रोडक्शन। हमारे पास सेल्स भी हैं, प्रोडक्शन भी है आने वाले पीरियड की। कहता है जी, 50 लीटर्स ऑफ मटेरियल एम आर यूज्ड पर 100 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट पी।
50 liters, मतलब 50 liters ऑफ मटीरियल एम आर यूज पर 100, तो एक यूनिट पे कितने लगते हैं? 0.5 लीटर लगते हैं. 50 liters में कितने बन रहे हैं? 100 प्रोडक्ट्स बन रही हैं. इन्वेंट्री ऑफ मटीरियल एम इज प्लान टू बी रिड्यूस्ड बाय 60 liters इन द नेक्स्ट पीरियड. व्हाट क्वांटिटी ऑफ मटीरियल नीड टू बी परचेज, व्हाट क्वांटिटी ऑफ मटीरियल नीड टू बी परचेज. तो देखें, हमने हमारी प्रोडक्शन कितनी होनी है जी? 5,800. हमारी प्रोडक्शन होनी है 5,800. हर 100 यूनिट पे 50 मटेरियल लगता है, तो हमें कितना मटेरियल चाहिए? तो हमें कितने मटेरियल चाहिए जी? 2900 मटेरियल हमें चाहिए. हमें 2900 लीटर्स मटेरियल चाहिए. ऐसे ही है. और ओपनिंग कोई मटेरियल पड़ा हुआ है? ओपनिंग नहीं बताया हुआ, बट हमने क्या कहा था? माइनस ओपनिंग प्लस क्लोजिंग. हमने यही फार्मूला पढ़ा हुआ था ना, परचेजेस का क्या फार्मूला था? प्रोडक्शन माइनस ओपनिंग प्लस परचेजेस. तो अब ओपनिंग क्लोजिंग नहीं गिवन, बट उसने कहा है वो जो भी मटेरियल था वो 60 से क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है. 60 से मटेरियल रिड्यूस हो रहा है, तो बताओ मैं कितने परचेज करूंगा? तो 60 इसमें से आप क्या कर दें? माइनस कर दें, तो आप कितना परचेज करेंगे? 2840. मतलब ये सारा इसलिए परचेज नहीं कर रहे कि जो पुराना मटेरियल हमारे पास मौजूद है, पुराना मटेरियल जो भी मौजूद है उसमें से मैंने 60 यूज कर लिए. अगर इंक्रीज हो रहा होता मटेरियल तो मैं क्या कर रहा होता है? एड कर रहा होता. टोटल मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन इज 2900 लीटर्स. हर 100 प्रोडक्ट पे 50 लीटर्स लगना था, तो टोटल हमारा मटेरियल कितना लगना था प्रोडक्शन में? 2900 लीटर्स. तो अगर मेरा इन्वेंट्री इंक्रीज हो रही होती तो मैं इस 2900 में क्या करता? ऐड करता. मटेरियल, मेरी इन्वेंट्री इंक्रीज नहीं हो रही थी, इन्वेंट्री डिक्रीज हो रही थी. कितने से? 60 से. तो इसका मतलब मैं कितने परचेजेस करूंगा? मैं परचेजेस करूंगा 2840 प्लस 60 पुरानी वाली इस्तेमाल करूंगा, तो टोटल मेरे पास क्या आ जाएगा? 2900. बट मेरे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है? मैंने कितनी परचेज करनी है? 2840. तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 6 पे मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहते हैं जी? व्हिच अकाउंट नीड टू बी चार्ज फॉर फैक्ट्री वेजेस यूज्ड इन प्रोडक्शन. तो याद रखें, इसमें हमने क्या ऑप्शन लगाया था? वेजेस कंट्रोल अकाउंट, वर्क इन प्रोग्रेस एंड प्रोडक्शन ओवरहेड. कैसे? देखिए, दो तरह का मटेरियल होता है. एक यहां पे मटेरियल की नहीं, यहां पे वेजेस की बात की गई है. तो दो तरह का लेबर होता है. मटेरियल होता है तब भी यही बात थी, इसमें भी यही बात है. डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट. तो डायरेक्ट जो भी होता है उसे हम कहां पे रिकॉर्ड करते हैं? वर्क इन प्रोग्रेस में. इनडायरेक्ट को कहां पे रिकॉर्ड करते हैं? प्रोडक्शन ओवरहेड्स में. और क्रेडिट क्या हो जाएगा? वेजेस कंट्रोल अकाउंट. तो अगर मैं इसकी पूरी डबल एंट्री आपके सामने लिख दूं तो वो क्या है? डेबिट, डेबिट वर्क इन प्रोग्रेस, डेबिट प्रोडक्शन ओवरहेड्स एंड क्रेडिट वेजेस कंट्रोल अकाउंट. नेक्स्ट मूव करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ. कौन सा? कोई भी चीज है वर्क इन प्रोग्रेस में, आप जो डायरेक्ट है वो वर्क इन प्रोग्रेस में जाता है, फिर वर्क इन प्रोग्रेस से फिनिश गुड्स में. ये हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था, डबल एंट्रीज पढ़ी थी ना डायरेक्ट, तो ये वही है. नेक्स्ट मूव करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7, अ डायरेक्ट ऑपरेटिव इन अ प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर वर्क फॉर 41 आवर्स
इन वीक सिक्स, छठे वीक में उसने कितना काम किया है? 41 hours. द बेसिक वीक इज 38 hours एंड द बेसिक रेट इज 12 per hour. एक्स्ट्रा आवर्स आर वर्क टू मीट द जनरल नीड्स ऑफ द बिजनेस एंड आर पेड एट अ प्रीमियम ऑफ 20% अबव द बेसिक रेट. अब आपसे क्या कह रहा है कि बताओ डायरेक्ट कॉस्ट क्या होगी, डायरेक्ट कॉस्ट क्या होगी. तो कल मैंने आपको जब हमने क्रैश कोर्स किया था तो उसमें एक मैंने बात बताई थी कि जितने आवर्स भी काम किया जाता है बेसिक रेट इज ऑलवेज अ डायरेक्ट कॉस्ट. तो कितने घंटे काम किया गया है? 41. तो एक रेट जो है वो कितना है? 12. 41 मल्टीप्लाई बाय 12 इज 492. दिस इज बेसिक. प्रीमियम प्रीमियम की कोई जरूरत नहीं थी. प्रीमियम होना भी कितने पे था? जो एक्स्ट्रा काम किया, एक्स्ट्रा काम कितना किया है? 3 घंटे, और 3 घंटों का 20%. तो हमें इनडायरेक्ट फाइंड ही नहीं करना था. वी नीड टू जस्ट फाइंड आउट द डायरेक्ट. ये आपके पास ही है, कहीं नहीं जा रहे. देखें टोटल आपने कितना काम किया है? 41. बेसिक कॉस्ट कितने थे? 38. एक्स्ट्रा कितना किया है? 3. इस 3 पे 20% प्रीमियम है जो कि इनडायरेक्ट है. बाकी ये जो 41, 38 प्लस 3 है, जो सबका बेसिक रेट है वो डायरेक्ट होता है. बेसिक रेट इज ऑलवेज अ डायरेक्ट एक्सपेंस. क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं. कहता है कंपनी हैज 2 डिविजन्स, नॉर्थ एंड साउथ. द अकाउंटेंट इज प्रिपेयरिंग अ सेल्स रिपोर्ट टोटलिंग सेल्स फ्रॉम बोथ डिविजन्स. द स्प्रेडशीट इंक्लूड 3 वर्कशीट्स. कितनी वर्कशीट हैं जी? 3. कितनी वर्कशीट है? 3. टोटल, नॉर्थ एंड साउथ. द ले आउट ऑफ द स्प्रेडशीट इन द सेम फॉर ईच वर्कशीट. कहता है तीनों की जो ले आउट है, मतलब ले आउट का मतलब क्या है, जो C3 में इधर लिखा हुआ है वो तीनों में C3 में जनवरी की सेल्स है तो जनवरी की सेल्स ही है. ले आउट बिल्कुल एक है. जिस सेल में आपने यहां पे जो चीज डाली है वही नॉर्थ वाले ने भी वही उसी सेल में डाला हुआ है, साउथ वाले ने भी उसी सेल में वही डाला हुआ है. अब क्या कहता है, व्हाट फॉर्मूला विल बी यूज इन सेल C3 जो कि टोटल यूज करेगा. टोटल का फॉर्मूला क्या होगा? टोटल का फॉर्मूला क्या होगा? टोटल सेल्स. तो अब देखें हमने C3, ये टोटल का, ये कौन सी स्प्रेडशीट है? टोटल की, टोटल की. तो हमने किन दो का यहां पे लेके आना है? नॉर्थ और साउथ. और दोनों को क्या करना है? ऐड करना. नॉर्थ का C3 भी और साउथ का C3 भी. तो अगर आप ऑप्शन देखें तो आपके पास सी करेक्ट ऑप्शन है, सी, क्योंकि आपने दूसरी वर्कशीट से जब आप इसे लेके आ रहे हैं लिंक करेंगे तब आप ये साइन यूज करेंगे जो आपके सामने गिवन है. ठीक है जी, ये लिंक करने के लिए. फिर ना होता, फिर देखें C3 आपस में भी तो ऐड नहीं हो सकता था ना. अगर सेम शीट होती तो आप खुद में खुद तो ऐड नहीं होंगे ना. एक सेल अपना ही रेफरेंस दे रहा होगा तो फिर क्या होगा? अभी एक इसी मॉक के अंदर आज आपने क्वेश्चन किया है ना कि जब आप अपने आप को ही वो कर रहे हो तो रेफरेंस एरर आ सकता है ना. तो यहाँ पे ये दो डिफरेंट क्या हैं, शीट्स हैं. तो यहाँ पे कौन सा साइन यूज होगा? एक्सप्लेनेशन मार्क आपने यूज करना है जी. लिंक करते वक्त फिर गलत होगा. ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाए. कहता है द मैनेजमेंट अकाउंटेंट इज ट्राइंग टू डिस्प्ले अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इन अ स्प्रेडशीट बट फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू प्रिवेंट द कॉलम एंड रोज हेडिंग from scrolling off the screen. She wants to freeze the first 4 rows and first 3 columns using the freeze pan functions. Where should the management accountant position the cell pointer?
when she clicks the freeze pens function in order to freeze the first four rows and first three columns as illustrated. कहता है जैसे कि आपको कहानी दिखाई गई है और समझाई गई है, इस पिक्चर में वो कहाँ पे आके अपना पॉइंटर रखेगा. तो मेरे पास क्योंकि टैब है और आप जब रिकॉर्डिंग देख रहे होंगे तो आपको टैब की रिकॉर्डिंग भी नज़र आ रही होगी, तो मैं यहाँ पे आपको रख के दिखा रहा हूँ. ये टॉप जो सेल D5 है इसके राइट कॉर्नर के ऊपर जब आप रख के उसे फ्रीज करेंगे तो ऊपर वाला और नीचे वाला ये सारा क्या है एरिया फ्रीज हो जाएगा. तो सेल D5 का टॉप राइट, ठीक है जी, समझ आ गई जी. तो इसका मतलब क्या है इन सेल D5 ऑप्शन ए. नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 10. इन द कॉस्ट कोडिंग सिस्टम ऑफ कंपनी ए ईच डिजिट ऑफ अ कोड रिप्रेजेंट अ क्लासिफिकेशन विद ईच डिजिट फर्दर टू द राइट रिप्रेजेंटिंग अ स्मॉलर सबसेट देन द प्रीवियस डिजिट. तो ये कौन सी कोडिंग की टाइप है? दिस इज हेरारिकल कोड. दिस इज द टाइप ऑफ हेरारिकल कोड. जिस तरह हमने पढ़ा था ना कि आप मीट लेने जाते हैं तो वो फ्रोजन का आता है, फिर ये मीट है, फिर ये है, तो वो सबसेट करके एक बड़ा कोड बन जाता है. तो ये कौन सा कोड होता है? हेरारिकल कोड होता है. क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 11. विच ऑफ द फॉलोइंग वुड अकर इन अ प्रोडक्शन एनवायरमेंट वेयर प्रोसेस कॉस्टिंग इज यूज्ड. कॉन्टिन्यूस प्रोडक्शन प्रोसेस, यस. आउटपुट ऑफ वन प्रोसेस में बिकम द इनपुट ऑफ नेक्स्ट प्रोसेस, यस. आउटपुट इज ऑलवेज अ सिंगल प्रोडक्ट, नो. तो वन एंड टू याद रखें. जो पहली दफा बच्चे पेपर दे रहे हैं, ऑलवेज का वक्त जो वर्ड है वो बड़ा खतरनाक है MCQs के लिए. जब ऑलवेज लिखा हुआ आ जाए तो 99% वो चीज़ गलत होती है. हमेशा नहीं हो सकता, बहुत सारी चीज़ें ऐसा नहीं होता. हाँ, नॉर्मली और ऑलवेज में नॉर्मली तो कह सकता था ना, नॉर्मली एक प्रोडक्ट होती है, एक आउटपुट होती है. कहता हमेशा एक होती है, नहीं. एक से ज़्यादा प्रोसेस से एक से ज़्यादा निकल सकती हैं, जॉइंट प्रोडक्ट्स बाय प्रोडक्ट्स हो सकती हैं, ठीक है, बिल्कुल हो सकती हैं. तो वन एंड टू. नेक्स्ट चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ. विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग स्प्रेडशीट्स. देखें अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर हैं और हमें बार बार एक चीज़ एग्जामिनर हाईलाइट करवा रहा है, वो क्या है? स्प्रेडशीट. तो कहते हैं जी दे आर सूटेबल for holding large volumes of data. They enable data to be manipulated easily. Yes. They enable complex what-if analysis to be performed quickly. Yes. Large spreadsheets are unlikely to contain any critical errors. No. तो देखें, फोर तो नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता. अब टू only या टू एंड थ्री? तो टू एंड थ्री इज द बेस्ट ऑप्शन एंड द करेक्ट ऑप्शन एज वेल. क्वेश्चन नंबर 13 पे मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 13. विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द रेंज ऑफ सेल्स बिलो. कहते हैं ये जो हाईलाइटेड एरिया है स्प्रेडशीट का, ये रेंज क्या है, इसकी रेंज आपने बतानी है आयशा फयाज. तो आप देखें C4 से लेके F8 तक. तो A इज द करेक्ट ऑप्शन. अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 14.
The image below shows the circular references error messaging shown in a spreadsheet status bar. What could cause a circular reference error? A formula which indicates a reference to its own cell address. Yes. A is the correct option. ये अभी हमने थोड़ी देर पहले भी पिछले क्वेश्चन में भी एक बार डिस्कस कर ली थी कि जब आप अपना ही अपने आप में खुद को ऐड करेंगे तो मसला हो सकता है. क्वेश्चन नंबर 15. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट एट्रीब्यूट्स ऑफ रियल टाइम प्रोसेसिंग इन अ कंप्यूटर डाटा प्रोसेसिंग इन्वायरमेंट. Control over the input of data is facilitated. It is suitable for internal regular tasks. Transactions are input and processed immediately. Yes. Up-to-date information is always available. Yes. 3 and 4. Kehta, which of the following reflects attribute of real-time processing? रियल टाइम प्रोसेसिंग क्या होती है, जिसमें हम इनपुट करते हैं और फौरन प्रोसेस हो जाता है, ठीक है, और इससे इंफॉर्मेशन अप टू डेट होती है और अवेलेबल होती है यूज करने के लिए या एनालाइज करने के लिए. कंट्रोल ओवर द इनपुट ऑफ डाटा इज फैसिलिटेटेड. कहता है फैसिलिटेट करने का मतलब क्या है? फैसिलिटेट करना, कंट्रोल फैसिलिटेट करने का मतलब क्या होता है? हेल्प करना. कंट्रोल ओवर द इनपुट ऑफ डाटा, तो इनपुट ऑफ डाटा के ऊपर कंट्रोल तो नहीं है ना. हम रियल टाइम फौरन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, इस पर हमारा कोई कंट्रोल तो नहीं है. हाँ, कंट्रोल तब हो सकता था जब बैच होता, तो हम वो चीजें रोक लेते, एक बंदा आता वो देखता, हाँ ये ट्रांजैक्शन ठीक है, अब आप इसे क्या करें, इनपुट कर लें. जब रियल टाइम कर रहे हैं तो कोई आपका काम चेक कर सकता है फौरन इनपुट होने से पहले, या इनपुट होते वक्त आपको आपकी ट्रांजैक्शन पे कंट्रोल रखा जा सकता है? तो आंसर इज नो. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 पे मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 16. विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूजुअल टास्क कैरिड आउट बाय द अकाउंट्स डिपार्टमेंट इन अ लार्ज बिजनेस. प्रिपरेशन ऑफ द पेरोल, पेमेंट टू सप्लायर इनवॉइस, ये तो है ही है, ठीक है. फिर इसके बाद क्वालिटी कंट्रोल ऑफ फिनिश गुड्स, डिसाइडिंग ऑन सेलिंग प्राइस. तो सेलिंग प्राइस नॉर्मली सेल्स डिपार्टमेंट या मार्केटिंग डिपार्टमेंट देख रहा होगा. क्वालिटी कंट्रोल, कौन सा क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट होता है, वो क्वालिटी कंट्रोल को देख रहा होगा. अब हमारे पास दो चीज़ों में टाई आ गया, एक है पेमेंट टू सप्लायर, वो तो मस्ट है. अब इसके साथ टू ओनली का ऑप्शन नहीं है मेरे पास, इस सवाल में टू ओनली का ऑप्शन नहीं है, तो वन एंड टू है. तो इसका मतलब वन एंड टू लगाऊंगा. बट यहाँ पे एक इख्तलाफी पॉइंट ये भी है कि लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में पेरोल डिपार्टमेंट भी होता है, जो पेरोल का सारा मोनिटर कर रहा होता है, बना रहा होता है. क्योंकि यहाँ पे अब मेरे पास टू ओनली का ऑप्शन नहीं है, तो मैं फिर वन एंड टू को, क्योंकि ये काम भी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में अकाउंट डिपार्टमेंट पे रोल का काम भी कर रहा होता है. जी देखें, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट होता है तो वो क्वालिटी मॉनिटर कर रहा होता है, और डिसाइडिंग ऑन सेलिंग प्राइस ये सेल्स डिपार्टमेंट. सेल्स, अगर हम डिपार्टमेंट्स की बात करें तो अगर ऑर्गेनाइजेशन में एक सेल डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, जो मार्केट कर रहा है वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि कंपेटिटर की प्राइस क्या है, हमें ये प्रोडक्ट किस प्राइस में बेचनी चाहिए. अकाउंट्स डिपार्टमेंट का काम क्या है? पेमेंट्स करना, पेमेंट्स रिसीव करना. ये काम किसका है? अकाउंट्स डिपार्टमेंट का. रिकॉर्ड रखना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना, ये सारा कुछ क्या है? अकाउंट्स डिपार्टमेंट. ठीक है अली जी, समझ आ रही है आपको? क्वेश्चन नंबर 17. विच ऑफ द फॉलोइंग वुड मोस्ट लाइकली इन्फ्लुएंस द कंटेंट ऑफ अ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट. देखिए, कहता है कौन सी ऐसी चीज है जो कंटेंट के ऊपर जो ज्यादा इफेक्ट करेंगे. देखिए, कोई भी बात
आप यूजर की नीड को देखते हुए, मतलब अब मैं MA1 का मॉक डिस्कस कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे बात को बिल्कुल सिंपल रखने की कोशिश करूँगा। क्यों? क्योंकि आपकी नीड, आपकी रिक्वायरमेंट जो है उसके मुताबिक हो, तभी आपको समझ आएगी ना। मैं यहाँ पे अगर मैनेजमेंट की और थ्योरीज के ऊपर बात शुरू कर दूँ तो आपके लिए क्या होगा, मुश्किल हो जाएगा। तो क्या कहता है जी, कौन सी चीज़ जो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है? द इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ द रिपोर्ट, जिसके लिए आप काम कर रहे हैं उसको तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18 पे मूव करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 18, मैनेजमेंट नीड्स इंफॉर्मेशन टू मेक चॉइसेस बिटवीन अल्टरनेटिव्स। मैनेजमेंट नीड्स इंफॉर्मेशन टू मेक चॉइसेस बिटवीन अल्टरनेटिव्स। What purpose of management information is the above statement an illustration of? Reporting, planning, decision making, control. So this is decision making. When you have alternative. देखें, आपके पास दो रास्ते थे, इधर से जाऊं इधर से जाऊं, तो अब आपने प्लान करना है, कंट्रोल करना है या डिसीजन लेना है? डिसीजन लेना है ना। जब आपके पास क्या है, अल्टरनेटिव्स हो, तो फिर आप क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि क्या मैं प्राइवेट कॉलेज से मेडिकल कर लूं, MBBS कर लूं या ACCA कर लूं। अगर अल्टरनेटिव होते हैं, और अगर किसी के पास अल्टरनेटिव ही नहीं है तो वो क्या कहता है कि मैं सिर्फ ACCA ही कर लेता हूँ क्योंकि और मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ मूव करते हैं। अ ट्रेनी अकाउंटेंट वर्किंग इन एन अकाउंटेंसी प्रैक्टिस कैरीज आउट अ वैरायटी ऑफ वर्क फॉर सेवरल क्लाइंट्स इन अ पीरियड। व्हाट डॉक्यूमेंट मे बी यूज्ड बाय द ट्रेनी टू रिकॉर्ड द एनालिसिस ऑफ ऑर्स वर्क? दिस इज बिल्कुल सिंपल, टाइमशीट। टाइमशीट क्या होती है? A time sheet is used to record the amount of time a trainee accountant has spent working for individual clients. तो किस पे क्या क्या time, कहाँ कहाँ क्या क्या time गुजारा है, तो वो क्या होगा, time sheet. Question number 20 पे चलते हैं जी। Which of the following statement about coding is are correct? Which of the following statement about coding is are correct? A code is a system of words, letters, figures, symbols used to represent other items. Yes, ऐसा होता है ना। फिर क्या कहता है जी, authorization of transaction is not required if codes are used. Authorization तो फिर भी चाहिए होती है ना, ये तो नहीं आपने कोड यूज किया तो authorize नहीं करना। authorization something else, कोड हम आसानी के लिए, देखिए आप बहुत सारे लोग बैठे हो, क्लास भरी हुई है, मैं एक एक का नाम लेने के बजाय रोल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये आसानी के लिए है ना। तो वन और एक बंदे का नाम इतना बड़ा है तो आप वन क्या होगा, इजी होगा, लिखना आसान है, उसे पुकारना आसान है, यूज करना आसान है। तो नेक्स्ट क्या था, को कॉस्ट आर कोडेड टू फैसिलिटेट देयर एंट्री इनटू द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। यस, हमने कहा था, अभी बात की है कि आसानी हो जाती है कि जब आपके पास कोड होंगे तो एंट्री करना आसान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। कहते हैं टेली कम्युनिकेशन कॉस्ट इनकर्ड बाय अ बिजनेस ईच मंथ आर मेड अप ऑफ अ स्टैंडिंग चार्ज प्लस एन एडिशनल अमाउंट अकॉर्डिंग टू द वॉल्यूम ऑफ कम्युनिकेशन। कहता है आपको जिस तरह बिल आता है घर में, वो कहते हैं जी एक इतनी फिक्स अमाउंट है, इसके ऊपर जितनी आप कॉल्स करेंगे उतना बिल होगा। तो सम थोड़ा सा पार्ट क्या है, सम ऑफ द पोर्शन इज फिक्स्ड, अदर इज, तो ऐसी कॉस्ट जिसमें फिक्स और वेरिएबल दोनों हो, सेमी वेरिएबल, क्या होंगे, सेमी वेरिएबल। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली स्टेट्स द एक्टिविटी ऑफ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। अ प्रॉफिट सेंटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेवेन्यू ओनली? नो, वो रेवेन्यू और कॉस्ट दोनों, प्रॉफिट कैसे बनता है, रेवेन्यू लेस कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। तो क्या ये सिर्फ रेवेन्यू के लिए है? नो,
An investment center is responsible for cost and capital investment only? No. An investment center is responsible for revenue? No. देखें investment center profit और investment दो चीजें होती हैं, profit भी और investment भी, cost या revenue नहीं. आखिरी बात क्या कहता है? A profit center is responsible for cost and revenue. Yes. क्योंकि profit किन दो चीजों से मिलके बनता है? Revenue और cost से. तो कौन सा ऐसा responsibility center है जो दोनों को देख रहा है? वो profit center है. क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाएं. बहुत सारे लोगों का ये सवाल गलत हुआ. खैर है, पहला मॉक था, हम इतना सा गुंजाइश देते हैं. अगले मॉक के लिए आपके पास, हमारे पास दवाई है. अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 23. द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट टू अ डिवीजन ऑफ अ बिजनेस फॉर अ पीरियड. सेल्स रेवेन्यू 4,20,000, नेट प्रॉफिट मार्जिन है 10%. तो इसका मतलब हमारा प्रॉफिट कितना आ गया? 4,20,000 का 10% कितना आ गया? 42,000. दिस इज अवर प्रॉफिट. दिस इज एक्चुअली वी गेट फ्रॉम डूइंग द बिजनेस. हमने क्या, कितना प्रॉफिट अर्न किया? 42,000. हमने क्या पढ़ा था? RI, रेजिडुअल इनकम. क्या पढ़ा था? रेजिडुअल इनकम को हमने पढ़ा था, उसमें से नोशनल इंटरेस्ट माइनस कर दो. तो नोशनल इंटरेस्ट क्या होगा? तो देखो कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? 2,60,000. इस 2,60,000 पे हम कितना रिटर्न दे रहे हैं? हम 8% दे रहे हैं. उस 8 से ज़्यादा क्या कमाया? 2,60,000 का 8% लो. 2,60,000 का 8% कितना आता है? कोई एक बता दे. 20,800. तो ये हमने 42,000 में से 20,800 माइनस कर दो, तो इसका मतलब एक्स्ट्रा इनकम क्या है? रेजिडुअल इनकम क्या है? एक्स्ट्रा क्या है जो हमने शेयर होल्डर को, जो हमने ओनर को प्रॉफिट देना था, वो कितना था? जो हमारी कॉस्ट थी वो 20,800 थी. व्हाट वी एक्चुअली अर्न? वी अर्न 42,000. तो दिस मींस 21,200 इज अवर रेजिडुअल इनकम. समझे बात को? क्वेश्चन नंबर 24. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स वुड बी ट्रू इफ रॉ मटेरियल प्राइसेस आर राइजिंग. इसको मैंने कैसे पढ़ाया था? मैंने कहा था जब प्राइसेस बढ़ती हैं तो फाइफो पठान होता है, वो बढ़ेगी तो उस जितना प्रॉफिट किसी का नहीं, और जब प्रॉफिट बढ़ेगा तो क्लोजिंग इन्वेंट्री भी बढ़ेगी, और अगर प्रॉफिट कम होगा क्लोजिंग इन्वेंट्री भी कम होगी. तो अब क्या हो रहा है? प्राइसेस बढ़ रही हैं, तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट फाइफो का, सबसे कम प्रॉफिट और सबसे कम क्लोजिंग इन्वेंट्री लाइफो की. तो यहां पे इस तरह की फाइफो की ऑप्शन है या लाइफो की है? तो देखो, कहता है फाइफो वुड गिव अ लोअर प्रॉफिट. नो, ऐसा नहीं हो सकता. क्यों नहीं हो सकता? प्राइसेस बढ़ रही है, फाइफो का प्रॉफिट ज्यादा होगा, तो किसका प्रॉफिट कम होगा? लाइफो वुड gave a lower closing inventory valuation than FIFO and profit. Profit की उसने बात नहीं की थी. अगर बात कर भी लेता तो फिर भी हमें पता था, क्योंकि closing inventory और profit का आपस में कौन सा relation है? Direct relation है. तो यहाँ पे LIFO would give a lower closing inventory than FIFO. Question number 25. A bonus scheme operates in a factory. The bonus is calculated as time allowed minus time taken divided by 3 into basic rate per hour. तो अब यहाँ पे एक बच्चे ने इख्तलाफ कर सकता है. वो कहते हैं जी हमने किताब में पढ़ा था कि divided by 2 था, यहाँ पे इसने 3 लिखा हुआ है. तो भाई मैंने आपको एक और बात भी पढ़ते हुए की थी कि बोनस जैसे मर्जी कैलकुलेट किया जाए, वो तो ऑर्गेनाइजेशन का अपना कोई ऐसा स्टैंडर्ड नहीं है कि बोनस आपने ऐसे ही देना और इतना ही देना. जो आपको बेहतर लग रहा है उसके मुताबिक बोनस होना चाहिए. तो आपको इसीलिए मैंने, आज सुबह एक बच्चे ने मेरे से कहा कि ये मुझे फार्मूला याद होने चाहिए. मैंने कहा नहीं, क्वेश्चन में गिवन होगा. तो देखो यहाँ पे उसने जो फार्मूला था, हमने उस फार्मूले के ऊपर वैल्यू डालेंगे. बेसिक पे इन द फैक्ट्री इज 10 पर आवर एंड टाइम अलाउड इज 1 आवर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 20 यूनिट्स. An employee produce 820 unit in 35 hours. देखो, what were the employee total earning? वो आपसे
बोनस नहीं पूछता, टोटल अर्निंग पूछ रहा है जिसमें बोनस और जो उसकी बेसिक पे है दोनों शामिल हैं। तो टोटल अर्निंग क्या होगी? तो अगर हम देखें तो एक घंटे में उसने कितना काम करना था? 20 यूनिट बनाने थे। एक घंटे में कितने यूनिट्स बनाने थे? 20। उसने कितने यूनिट्स बनाए? 820 डिवाइडेड बाय 20। ये कितने घंटों का काम होना चाहिए था? 41 आवर्स का काम उसने कितने घंटों में कर लिया? तो उसने कितने घंटे सेव किए? 6 घंटे सेव किए। देखें, उसने 820 डिवाइडेड बाय जब 20 किया तो उसने 41 घंटों का काम 35 घंटों में कंप्लीट कर लिया। तो टाइम अलाउड कितना था? 41। टाइम टेकन कितना है? डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 10। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया? यहाँ पे क्या आ गया? ये जो आप सिर्फ बोनस पहले फाइंड करो तो ये आ गया 20। बोनस कितने का आ गया? 20। और उसने 35 घंटे काम किया है, हर घंटे का रेट कितना है? 10। तो वो कितना आ गया? 35 × 10 350 प्लस 20 का बोनस, तो टोटल कितना आ गया? 370। टोटल कितना आ गया? 35 घंटे जो उसने काम किया और उसका रेट था 10, तो दिस इज 350। तो 350 प्लस 20 इज इक्वल टू 370। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं जी, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट वुड मोस्ट अप्रोप्रिएटली बी अपॉर्शन टू कॉस्ट यूनिट ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोर स्पेस ऑक्यूपाइड। तो फ्लोर स्पेस किस बेस पे होनी चाहिए? हीट एंड लाइटिंग। ये अगेन हमने क्वेश्चन क्लास में भी इस तरह के बहुत सारे किए हुए हैं, कोई इसमें मुझे नहीं लगता कोई समझाने की ज़रूरत है। बट मुबशर मशीन इसलिए नहीं होगी, मशीन की डेप्रिसिएशन वैल्यू ऑफ मशीन पे होती। इनडायरेक्ट मटीरियल, इनडायरेक्ट लेबर, हीट एंड लाइटिंग। तो देखो फ्लोर एरिया है ना, फ्लोर एरिया किसके मुताबिक? फ्लोर एरिया पे कौन सी चीज़ होनी चाहिए? फ्लोर एरिया पे क्या होना चाहिए? बिजली का बिल, जिसने जो ज़्यादा एरिया यूज़ कर रहा है उसको उतना बिजली का बिल मिलना चाहिए। जो कम यू, इससे भी बेहतर क्या होता है हमारे पास अगर स्पेसिफिक यूनिट्स हों तो वो तो बहुत अच्छी बात है ना। तो अगर आपके पास अलग-अलग मीटर्स नहीं लगे हुए तो हम कहते हैं तीन पोर्शन है, आप दो पोर्शन यूज़ कर रहे हैं तो टोटल बिल का 2/3 आप दे दें, 1/3 आप दे दें। क्वेश्चन नंबर 27, सेंट्रल कॉस्ट इन अ बिजनेस आर शेयर टू ईच कॉस्ट सेंटर, दिस इज नोन एज अपॉर्शनमेंट, दिस इज नोन एज, ठीक है, सेंट्रल कॉस्ट। सेंट्रल मतलब क्या है? कॉमन कॉस्ट, जो एक दूसरों में हम तकसीम कर रहे हैं, तो वो क्या है? अपॉर्शन करना है। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 में क्या फरमाते हैं जी? एज पार्ट ऑफ द परचेजिंग साइकिल व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर इन विच द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स वुड बी प्रोसेस्ड। तो सबसे पहले क्या आएगा? परचेज रिक्विजिशन, फिर क्या आएगा? परचेज ऑर्डर, फिर क्या आएगा? गुड रिसीव्ड, और लास्ट पे क्या आएगा? इनवॉइस। तो विच वन इज करेक्ट? डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। इनवॉइस बिल्कुल लास्ट में आएगी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिफाइज ऑफ रोज ऑफ सेल इन अ स्प्रेडशीट। ये बहुत सारे लोगों का सवाल गलत हुआ और लोगों ने क्या लगाया? A1 to A20। ओ अल्लाह के बंदो, देखो जब A क्या है? पूरा कॉलम है। A पूरा क्या है? कॉलम है। आपने स्प्रेडशीट पिछले दिनों पढ़ी तो ये A था, ये B था, ये C था, ये 1, 2, 3। तो अगर ये पूरी रो है A1 से लेके जो भी G1, F1, ये पूरी रो है, और ये A1, A2, A3 ये क्या है? कॉलम है। तो उसने क्या पूछा था? विच ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिफाई ऑफ रो ऑफ सेल्स, रो ऑफ सेल्स आपसे पूछ रहा है। तो रो इस तरह नहीं होगी, रो इस तरह होगी। तो इस तरह के लिए अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ये A1 आ गया, A2, A3, A4। तो ये हमारे पास इस तरह की कोई रो जिसमें 1 कॉमन हो, तो A1 से लेके G1, A1 से लेके
जी वन। क्वेश्चन नंबर 30 आज की डिस्कशन का पार्ट वन और लास्ट सवाल। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द कैलकुलेशन ऑफ यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यूजिंग बैच कॉस्टिंग। बैच कॉस्टिंग की प्रोडक्शन के लिए क्या फॉर्मूला यूज किया जाता है? फुल प्रोडक्शन, प्राइम नहीं, फुल प्रोडक्शन कॉस्ट की अगर बात की जा रही हो तो अभी देख लेते हैं। हाँ जी, फुल प्रोडक्शन कॉस्ट डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस इन अ बैच, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो आज हमारा मॉक वन पार्ट वन कंप्लीट हो गया। कल इंशाल्लाह हम पार्ट टू, इसके जो 20 क्वेश्चन रहते हैं वो, प्लस हम अपना मॉक टू इवनिंग में करेंगे, और मॉक जो ये रह गया है